हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की मेरे इस वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ कि आधार इनरोलमेंट करेक्शन अपडेट फॉर्म आपको कैसे भरना है और कहाँ से डाउनलोड करना है। तो इसको आपको UIDAI की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। तो आपको इसको कैसे भरना है और ये आपको A4 साइज पे पेपर पे प्रिंट करना रहता है और इसमें सभी डिटेल्स भरी गई आपकी कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। ये मतलब स्मॉल लेटर में आपको ये फॉर्म नहीं भरना है और इसको बहुत सावधानी पूर्वक भरना रहता है, जैसा कि मैं दिखा दे रहा हूँ आपको किस तरीके से ये फॉर्म भरना है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म मिलता है और आपको ये भरना बहुत ही ज़रूरी रहता है। आधार कार्ड संशोधन करवाने के लिए और नया बनवाने के लिए ये फॉर्म आपको भरना ही पड़ता है। तो आपको इसको कैसे भरना है, तो ये चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको रेसिडेंट पे टिक करना रहता है कि आप भारतीय निवासी हैं, इसलिए आपको रेसिडेंट पे टिक करना रहता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको डिटेल्स नंबर 2 में आपको आधार नंबर भरना रहता है। यदि आपको आधार अपडेट करना है तो आपको आधार नंबर भरना होता है। यदि आपका नया आधार कार्ड बनना है तो आपको आधार नंबर भरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास आधार कार्ड नहीं होता है। तो इसलिए अपडेट जिसको करना है उसको ये भरना बहुत ही ज़रूरी है, ये नहीं छूटना चाहिए जिसको आधार अपडेट करना है। तो फिर नंबर 2.1 में डिटेल्स नंबर 2.1 में आपको यहाँ पर टिक करना रहता है क्या अपडेट करना है। जिसको अपडेट करना रहता है उसी को यहाँ पर टिक करने की ज़रूरत है। तो जो भी अपडेट करना है आपको उस पर टिक कर देना है। इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आपको टिक करना है। आपको सभी डिटेल्स पेन से टिक करना है, इस तरीके से जो भी आपको बदलना है उसी पर टिक करना है ओनली। फिर आपको पूरा नाम लिखना रहता है, जो भी आपका पूरा नाम हो इसे कैपिटल लेटर में भरना है, ये बहुत सावधानी आपको भरना है। यहाँ पर मैं दिखा दिया हूँ आपको इस तरीके से आपको भरना है। फिर आपको 4 नंबर डिटेल्स में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल उस पर आपको टिक कर देना है पेन से सावधानी पूर्वक। इस तरीके से मैंने टिक करके आपको दिखा दिया है, इस तरीके से आपको टिक करना रहेगा। फिर आपको डिटेल्स नंबर 5 में आपको डेट ऑफ बर्थ भरना रहता है। यदि आपका ईयर ऑफ बर्थ है तो आप ईयर ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से आपको डेट ऑफ बर्थ भरना रहता है और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए यदि कोई प्रूफ है किसी प्रूफ पे, यानी कि कोई प्रमाण पे आपका किसी सर्टिफिकेट पे आपका जन्मतिथि लिखा हुआ है तो आपको वेरीफाइड पे टिक करना है। यदि आपका नहीं किसी सर्टिफिकेट पे लिखा है कि ये मतलब जन्मतिथि आपका है, यानी कि कोई करेक्ट नहीं कितना आपका जन्मतिथि है, तो आपको डिक्लेयर्ड पे टिक कर देना है। फिर आपको एड्रेस भरना है, जो भी आपका एड्रेस है ये भरना रहता है। सबसे पहले एड्रेस में आपको केयर ऑफ में फादर का नाम या फिर हस्बैंड का नाम भरना रहता है, जो भी इस तरीके से आप भर सकते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको इस तरीके से भर देना रहता है। पूरा नाम यहाँ पर भरना रहता है, जो भी आपका फादर का नाम या फिर हस्बैंड का नाम है वो आपको यहाँ पर भर देना है सावधानी पूर्वक। फिर आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस भरना है। पहले आपको एड्रेस में आपको हाउस नंबर भरना रहता है, जो भी आपका है वो भरने के बाद आपको स्ट्रीट रोड लेन में आपको भरना रहता है, जो भी आपका स्ट्रीट रोड लेन है। फिर लैंडमार्क आपको भरना रहता है, जैसा कि मैंने नियर इंटर कॉलेज भरा हुआ है। आपके एरिया का जो भी कोई ऐसा चीज हो जिस पर आप कह सकें मेरा घर यहाँ पर है, वो आपका लैंडमार्क हो जाता है, जैसे कि कोई हॉस्पिटल स्कूल या फिर कोई बड़ा दुकान, ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपको विलेज टाउन सिटी में आपको भरना है, जो भी आपका विलेज या फिर टाउन या फिर सिटी है वो आपको भर देना है। फिर आपको पोस्ट ऑफिस भरना रहता है, अपनी एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस आपके एरिया का है वो पोस्ट ऑफिस आपका यहाँ पर भर देना होता है। फिर उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भरना रहता है, जो भी आपका जिला है वो यहाँ पर आपको भर देना है। तो ये इस तरीके से आप भर दीजिए। फिर आपको स्टेट भरना रहता है, जो भी राज्य आपका है वो यहाँ पर आप भर सकते हैं, जैसा कि मैंने उत्तर प्रदेश भर दिया है। फिर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भरना रहता है, यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप इसे भर सकते हैं, यदि ईमेल आईडी नहीं है तो आप मोबाइल नंबर भर के छोड़ दीजिए। और मोबाइल नंबर आपको भरना जरूरी रहता है, आपको मोबाइल नंबर से ही OTP प्राप्त होता है और इसी से आपको आधार डाउनलोड होता है, तो आपको मोबाइल नंबर भरने की बहुत आवश्यकता है। फिर पिन कोड आपको अपनी एरिया का भर देना रहता है, जो भी आपकी एरिया का पिन कोड हो वही आपको सही सही भर देना होता है। फिर 7 नंबर डिटेल्स में उसी को ये फिल करना है जिसका ईयर 5 साल से कम हो, यानी कि उसका एज जिसका 5 साल से कम हो उसको ये भरने की जरूरत होती है। तो इसमें किसी एक लोग का डिटेल देना रहता है, इसमें 5 लोग का डिटेल मांगा गया है, किसी एक लोग का डिटेल भरना रहता है, जैसा कि फादर मदर गार्जियन या फिर हस्बैंड वाइफ, किसी एक लोग का आपको भर देना रहता है यहाँ पर। जैसा कि मैंने भर दिया है फादर्स डिटेल, यहाँ पर फादर पे टिक करके उनका नाम लिख दिया है मैंने। फिर आपको आधार नंबर लिख देना रहता है इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन टाइप सेलेक्ट करना है, जो भी
आपका वेरिफिकेशन यानी कि जो भी जिससे आप वेरीफाई कर सकते हैं ऊपर जितना डिटेल्स आपने भरा है वो सब सही है, तो आप किस आधार पे ये आपके पास यदि कोई प्रूफ है तो आपको इस पर टिक कर देना है कि डॉक्यूमेंट बेस्ड पे आप अपडेट करना चाहते हैं। यदि आपके पास प्रूफ नहीं है और कि कोई आपका परिचय करवा रहा है कि आपका इतना ये एड्रेस है, ये डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको इंट्रोडक्शन पे टिक कर देना है। यदि आपके फैमिली मेंबर, कोई हेड ऑफ फैमिली मेंबर यानी कि मुखिया है, वो यदि आपको बताए कि मतलब आपका ये जन्मतिथि है, ये एड्रेस है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। फिर उसका नीचे आपको डिटेल्स भी भरना होता है। इस तरीके से आपको पेन से ये टिक कर देना रहता है। सावधानी पूर्वक सभी डिटेल्स भरें जो सिर्फ इसमें से एक ही पर टिक करना रहता है। फिर आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी टिक करना है, मतलब भरना है जो भी आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। जैसा कि मैंने आइडेंटिटी के लिए ये बर्थ सर्टिफिकेट लगा दिया, यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट कर देना है। जो भी आपके पास आइडेंटिटी का प्रूफ है वो कर देना। फिर आपके पास जो भी प्रूफ ऑफ एड्रेस है, एड्रेस का प्रूफ, वो भी आपको यहाँ पर भर देना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। यदि नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर आपको ये छोड़ देना है जो लास्ट वाला ऑप्शन है। फिर आपको 9 नंबर की डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन का, यदि आपने यहाँ पर टिक इंट्रोडक्शन पर लगाया है तो आपको उसका आधार नंबर यहाँ पर लिखना रहता है इंट्रोडक्शन का। यदि आपने हेड ऑफ फैमिली का मतलब टिक किया है तो आपको हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर लिखना रहता है। जो भी आपका हेड ऑफ फैमिली उस पर आपको टिक करना रहता है। आधार नंबर भरने के बाद आपको फिर नीचे कंफर्म करना रहता है कि आप ही मतलब यहाँ पर किसको प्रमाणित कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको उसका नाम भरना रहता है जिसका मतलब आधार बनना रहता है। यहाँ पर अभी मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से नाम भरना है, साइन करना रहता है और नेम भी लिखा जाता है। नाम जिसका आधार बनना है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। फिर जो भी सर्टिफाई कर रहा है यानी इंट्रोडक्शन या हेड ऑफ फैमिली, उसका यहाँ पर नेम लिखा जाता है। फिर उसके बाद सिग्नेचर उसी का होता है जो भी प्रमाणित कर रहा है यानी कि साइन करना है उसको। फिर आपको यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट में आपको एप्लीकेंट सिग्नेचर करना रहता है। यहाँ पर इस तरीके से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको किस तरीके से नीचे सबसे साइन करना है। यहाँ पर जिसका आधार बनना रहता है उसको साइन करना रहता है, या फिर जो प्रमाणित कर रहा है यानी कि जिसका ऊपर साइन हुआ है उसी को यहाँ पे साइन करना रहेगा। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्म फिल हो जाता है। पूरा फॉर्म बिना गलती के आपको इस तरीके से भर लेना है। इससे आपका नया आधार कार्ड बन जाता है या फिर संशोधन हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।